हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गरम थाली में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी 7 सितंबर से गणपति बप्पा विराजमान हो रहे उनके फेवरेट मोदक। तो आज मैं बताऊँगा चावल के आटे से बनने वाले उकड़ी के मोदक कैसे बनाते हैं। उकड़ी के यानी स्टीम्ड मोदक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर ऐड किया है मैंने 1 चम्मच घी। घी हमारा जैसे मेल्ट हो जाएगा, उसके बबाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 2 बड़े साइज़ के फ्रेश नारियल, जिसके अंदर पानी होता है। वो नारियल को निकाल के मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये वाला जो नारियल का बूरा है, ये कढ़ाई के अंदर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको घी के साथ में तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा हमारा चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे गुड़। गुड़ ऐड किया मैंने, जितनी कटोरी मैंने वो नारियल का बूरा लिया था उससे जस्ट आधा गुड़ मैंने ऐड किया है। गुड़ को भी हम चाकू की सहायता से बारीक बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसके अंदर गर्म करते हुए इसको धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐड किया मैंने तकरीबन 2 से 3 इलायची का पाउडर और 3 चम्मच खसखस। इसको भी चम्मच की सहायता से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इस स्टेपिंग को जब तक हम भून लेंगे जब तक कि हमारा गुड़ के अंदर का जो पानी है उसको सोख नहीं होता। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस स्टेज पे हम इसको बंद करके और साइड पर रख लेंगे। इसके बाद मैंने दूसरी एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैं ऐड करूँगा तकरीबन 3 कटोरी पानी। इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगा मैं 1 चम्मच घी। अभी पानी और घी का जो मिक्सचर है, हमारा जो चावल का आटा जब हमारा गूंथ के रेडी होगा वो बहुत ही सॉफ्ट होएगा। अब पानी गर्म क्यों करना है, क्योंकि चावल के आटे के अंदर जो चिकनाई होती वो गेहूं का आटा या मैदे की बनिस्पत कम होती है। अगर हम इसको गर्म पानी के अंदर गूंथ लेंगे तो हमारा जब भी आटा गूंथ के रेडी होगा तो इसके अंदर अच्छे से चिकनाई आएगी। तो चलिए इसको चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। लीड बंद करके 2 मिनट के लिए इसको रख लेंगे। इसके बाद वापस निकाल लेते हैं। निकाल के बाद में हम एक अलग प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में इस स्टेज पे हमने इसको गूंथना स्टार्ट करना है, जितना आप इसको हाथ लगा सको। अगर इस आटे को आप ज़्यादा ठंडा होने के बाद गूंथना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा और आपसे अच्छे तरह से गूंथेगा नहीं। तो हल्का गर्म जब होता है उसी टाइम इसको आप गूंथना स्टार्ट करेंगे, तब आपका ये गूंथ के अच्छा से आटा रेडी होगा। आटे के ऊपर थोड़ा सा घी का लेप लगा के हम इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। तो मोदक के लिए हम छोटी सी चावल के आटे के लिए ही बनाएंगे, छोटी सी चपाती बना लेंगे गोल साइज़ की। ये देखिए इतनी साइज़ की। इसके बाद में हम मोदक का इसको एक डिज़ाइन या मोदक का शेप देंगे, इस तरीके से हाथ से डिज़ाइन बना लेंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास आजकल बाज़ार में बहुत सारे मोदक के मोल्ड भी मिलते हैं, मोल्ड है तो आप इस मोल्ड के अंदर भी आप इस मोदक को बना सकते हैं। मेरे पास मोल्ड नहीं है तो मैं हाथ से ही डिज़ाइन बना रहा हूँ। ये देखो डिज़ाइन बनने के बाद में हमारी जो स्टफिंग अभी ठंडी हो चुकी है, स्टफिंग इसके अंदर फील कर लेंगे। फील करने के बाद में ध्यान रहे हमारा चावल का आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको प्रेस करते रहे ताकि हमारे मोदक का शेप है ना ख़राब हो। देखिए इस तरीके से दोनों हाथों से धीरे 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 मोदक का शेप बरकरार रखते हुए इसको क्लोज कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर हमारा मोदक बनके रेडी है। ये देखिए इस तरह के सारे मोदक एक एक करके आप बनाए। उसके बाद में यहाँ पर लिया है मैंने स्टीमर। स्टीमर के अंदर नीचे पानी डाल के ऊपर जिसके अंदर मोमोज वगैरह बनाते हैं उस तरीके से एक जिसके अंदर छेद है, इस तरीके से एक बर्तन लेंगे। बर्तन के ऊपर आप सारे आपके जो मोदक है मोदक रखे ऊपर स्लीड बंद करके 10 से 12 मिनट के लिए इसको आप
स्टीम देंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद देखिए कितने शानदार हमारे मोदक उकड़ी के मोदक बनके रेडी हैं। इस तरीके से आप उकड़ी के मोदक बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसे लगे मोदक। अगर ये मोदक की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।